Assalamu alaikum, my dear friends, how are you? Today we will start chemistry 10th class, chapter number 11, lesson number 36. And today our topic is catenation. And we will also perform some short questions of chapter number 9 on page number 18. My dear friends, aage topic ka bada catenation. Bahut dilchasp topic hai ji. The ability of कार्बन एटम टू लिंक विथ अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स. माय डियर स्टूडेंट, कार्बन की ये सलाहियत है, एबिलिटी है कि ये लिंक कर लेती है दूसरी कार्बन एटम के साथ और क्या बनाती है जी, लॉन्ग चेन्स बनाती है या फिर लार्ज रिंग्स बनाती है. फॉर एग्जाम्पल देखिए माय डियर स्टूडेंट, लेट्स सी. नॉर्मल ब्यूटेन में कार्बन कार्बन आपस के साथ क्या कर रही है, अटैच हो रही है. कार्बन ने कार्बन से बॉन्ड बनाया है, कार्बन ने कार्बन से बॉन्ड बनाया है, कार्बन ने कार्बन से बॉन्ड बनाया है. द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विथ अदर कार्बन एटम, कार्बन की एबिलिटी है कि क्या करती है जी, ये अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक बना लेती है और ये स्ट्रेट चेन बनी है जी. नॉर्मल ब्यूटेन इसका नाम है, लास्ट टाइम ने इसे स्टडी किया था जी. और ये मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ कार्बन कार्बन ने लार्ज रिंग्स बना लिए हैं. ठीक है जी, ये जो एबिलिटी है कार्बन एटम की कि आपस में बॉन्ड बनाकर लॉन्ग चेन्स या लार्ज रिंग बना लेती है, इस वजह से दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है. टोटल दुनिया में 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद है माई डियर स्टूडेंट्स वो मोर देन 10 मिलियंस है. ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तादाद 10 मिलियंस है, ये इतनी ज़्यादा क्यों है डाइवर्सिटी से, ये इतने ज़्यादा नंबर्स कैसे हैं, उसके हम रीज़न तलाश कर रहे हैं. और पहले रीज़न हमने आज बात करनी है उस पर, कैटिनेशन पे. कैटिनेशन की वजह से दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी और उनकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है. माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कैटिनेशन के लिए बेसिक दो कंडीशन होती हैं. जो एलिमेंट्स कैटिनेशन शो करते हैं उनके दो कंडीशन जरूरी होती है. पहली कंडीशन है एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और मोर देन 2. उस एलिमेंट, जिस एलिमेंट ने कैटेनेशन की एबिलिटी शो करनी है, उसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए. और ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट. देखिएगा, बॉन्ड मेड बाय द एलिमेंट विद इट्स ओन एटम शुड बी स्ट्रॉन्गर, कि वो जिस एलिमेंट ने कैटेनेशन शो करनी है, वो एलिमेंट जब आपस में अटैच हो तो उसकी क्या होनी चाहिए, उसका एटम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर कार्बन कार्बन ने आपस में लिंकेज करनी है तो उसका आपस में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ठीक है जी, देन किससे, वहां देख लीजिए, द बॉन्ड मेड बाय द एलिमेंट विद इट्स ओन एटम. बॉन्ड मेड बाय द एलिमेंट, जिस एलिमेंट ने बॉन्ड बनाना है अपने एलिमेंट्स के साथ, शुड बी स्ट्रॉन्गर, वो ज्यादा मजबूत होना चाहिए किससे, देन द बॉन्ड मेड बाय द एलिमेंट विद अदर एटम. अगर वही एलिमेंट किसी और एटम से बॉन्ड बनाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पेशली ऑक्सीजन केस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जब वो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए तो क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए. अब देखिए, सवाल ये है कि कार्बन कैटेनेशन शो करता है, कार्बन शोस कैटेनेशन while silicon doesn't. बताइए, कार्बन कैटेनेशन शो करता है जबकि सिलिकॉन नहीं शो करता, क्यों? तो वजह देखिए, लगे दोनों जो हैं, दोनों के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं. सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन. कार्बन का भी ग्रुप नंबर 4, सिलिकॉन का भी ग्रुप नंबर 4. लेकिन वजह यह है, कार्बन कार्बन जब कार्बन अपने ओन कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, जबकि कार्बन जब ऑक्सीजन अदर एटम से बॉन्ड बनाता है तो वीक होता है. तो रीज़न हमने पढ़ी थी, वो अपने एलिमेंट से बॉन्ड बनाए तो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, जब वो दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड बनाए तो वीक होना चाहिए. इसलिए कार्बन कैटेनेशन शो करता है. जबकि देखिए, सिलिकॉन जब सिलिकॉन से बॉन्ड बनाता है तो एनर्जी 200 आती है, जबकि सिलिकॉन जब दूसरे एलिमेंट इनके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो एनर्जी 452 आ रही है. यानी कि सिलिकॉन का अपने एटम के साथ बॉन्ड वीक है, जबकि दूसरे एटम के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है. लिहाजा सिलिकॉन कभी भी कैटेनेशन शो नहीं करेगा. ऑन द अदर हैंड आ जाइए,
कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी 355 है, जबकि कार्बन के दूसरे एलिमेंट के साथ जो एनर्जी है वो 351 है, स्पेशली ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इसकी कार्बन की कार्बन से बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, लिहाजा कार्बन कैटेनेशन शो कर देगा और सिलिकॉन नहीं शो करेगा, क्योंकि सिलिकॉन की कैटेनेशन आपस में एनर्जी 200 है जबकि ऑक्सीजन के साथ 452 है, हालांकि आपस में ज़्यादा होती है और ये कम होती है तो सिलिकॉन भी कैटेनेशन शो करता, लिहाजा सिलिकॉन यहाँ पर कैटेनेशन शो नहीं करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था कैटेनेशन, छोटा सा टॉपिक पढ़ाया मैंने। अब हम इसके साथ चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चंस अब हम करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे आपको इनकी। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ जी हमने, ठीक है, लेकिन मैंने दोबारा मेंशन कर दिया, एक बार चलिए रिवाइज हो जाएगा। सबसे रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन हमने की थी जी, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डोंट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। माय डियर सर, ये मैंने एग्जांपल कोड किया जी, कैल्शियम कार्बोनेट ने डिकम्पोज हुआ जी, इसके लिए आप हीट का साइन लगा दीजिए ऊपर, जैसे आप हीट देंगे तो ये डिकम्पोज और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चूंकि मैंने इसको सिंगल आयन से रिप्रेजेंट किया है तो अब इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें आपस में दोबारा रिकम्बाइन नहीं हो रही। अगर प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन ना हो, ठीक है, प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन ना हो रिएक्टेंट्स बनाने के लिए, तो ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए जी, ये रिएक्शन दे आर सपोज टू बी कंप्लीट, ऐसे लगता है जैसे ये मुकम्मल हो जाएंगे। दे रिएक्शन गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये देखिए जी, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाते हैं जी, और दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो, इन्हें सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान सिंगल एरो से इन्हें माय डियर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई और ये तीन उसकी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जी, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ये भी हमने बड़ी डिटेल से क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, दोबारा मेंशन किया मैंने आपके लिए, देखिए एक बार रिवीजन हो जाएगी हमारी। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। माई डियर स्टूडेंट, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वही हो जाता है जो कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन कॉन्स्टेंट हो जाती है, वो तब्दील नहीं होती। रिएक्शन मिक्सचर कहते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज ना हो, इसे कहते हैं जी रिएक्शन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जब कंपोजिशन सेम हो जाएगी तो माय डियर स्टूडेंट्स इस स्टेट को कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ये एग्जांपल दिया मैंने, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से मिली, अमोनिया गैस बनी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जैसा हो गया है और अब इनकी कंपोजिशन तब्दील नहीं हो रही, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो गई है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जी, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, उसने यहाँ पे नहीं पूछी इसकी डेफिनेशन, लेकिन फिर भी आप उसको चाहिए कि आप डेफिनेशन लिखें और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन होती है द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा मिलकर क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स बनाते हैं। दीज रिएक्शन आर कॉल्ड, इन रिएक्शन क्या कहते हैं जी, दीज रिएक्शन आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। देखिए नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से मिली तो प्रोडक्ट बना अमोनिया, और ये जो प्रोडक्ट बना है ये दोबारा रिकम्बाइन होकर दोबारा टूट के क्या बन गया, ये नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बन गई है, ठीक है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रहा है, रिवर्स भी हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए जिसकी, ये रिएक्शन कभी भी कम्प्लीट नहीं होते, नेवर गो टू कम्प्लीशन, ये रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते, नेवर गो टू कम्प्लीशन, ये रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते। दे टेक प्लेस फ्रॉम, दे टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, ये देखिए जी, ये माय डियर स्टूडेंट लेफ्ट से राइट भी जा रहे हैं और राइट से लेफ्ट भी आ रहे हैं, और माय डियर स्टूडेंट इनकी लास्ट प्रॉपर्टी है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाई डबल एरो, इन्हें डबल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं, कल हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा, इंशाल्लाह अब मैं आपको टास्क ऑफ द डे बताता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट्स, टास्क ऑफ टुडे में आप ये करेंगे जी, एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे जी, राइट अ नोट ऑन कैटिनेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है जी,
इसमें आप पूरा पैसे लिखेंगे कैटिनेशन का। वैसे इसमें जो शॉर्ट्स क्वेश्चन बनते हैं जी, ये बहुत सारे शॉर्ट हैं जी, डिफाइन कैटिनेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, राइट कंडीशंस फॉर कैटिनेशन, कैटिनेशन मैंने दो कंडीशन बताई थी जी, वो दो कंडीशन लिखेंगे और प्रूव करेंगे जी कार्बन शो कैटिनेशन व्हाइल सिलिकॉन डजंट। कार्बन तो कैटिनेशन शो करती है जबकि सिलिकॉन शो नहीं करती, ये कैटिनेशन का लास्ट पैसेज होगा जी, जहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन सिलिकॉन, कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी बताई गई है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके एक्सरसाइज वर्क है जी, जो हमने स्टार्ट किए हैं साथ साथ, चैप्टर नंबर 9 के फर्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं जी, 1, 2 एंड 3 फर्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं जो पेज नंबर 18 में मौजूद हैं। इनके आंसर मैंने आपको लेसन के अंदर लिख के दिखाए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप लेसन से ही याद करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल तक लिए याद दीजिए। अस्सलामुअलैकुम।